आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका भी लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब मुख्य समाचार। खरीदी केंद्रों से उपार्जित फसल का उठाव समय सीमा में नहीं किया जाता है तो जिला प्रबंधक इसके लिए जिम्मेदार होंगे। 52 जिलों में होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को अभी तक 2,78,949 मेडिकल किट वितरित और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से प्राप्त हुए 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को प्रदेश के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने जिला प्रबंधकों को चेतावनी दी है कि खरीदी केंद्रों से उपार्जित फसल का उठाव समय सीमा में नहीं किया जाता है तो जिला प्रबंधक इसके लिए जिम्मेदार होंगे। श्री सिंह ने प्रदेश के 6 जिला कलेक्टर को गेहूं, चना, मसूर और सरसों का उठाव तत्काल कराने के संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि परिवहनकर्ताओं द्वारा भी यदि समय सीमा में उपार्जित फसल का परिवहन नहीं किया जाए तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने दतिया, सतना, रीवा, होशंगाबाद, शहडोल और अनूपपुर के कलेक्टरों को लिखे पत्र में कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जिले में उपार्जित फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। असमय हुई भारी बारिश के कारण खुले में रखे अनाज का समय सीमा में उठाव कराया जाए। उपार्जित फसल का सुरक्षित परिवहन कराकर गोदामों तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार किसान की पंजीकृत पैदावार का 100% उपार्जन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को मेडिकल किटों का वितरण लगातार जारी है। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि अभी तक 52 जिलों में 2,78,949 मेडिकल किट वितरित की जा चुकी है। मंत्री श्री सिंह ने बताया है कि 18 अप्रैल से 18 मई के मध्य नगरीय क्षेत्रों में फीवर क्लिनिक और होम डिलीवरी के माध्यम से 2,78,949 मेडिकल किट कोविड मरीजों को उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के लिए 14वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस कल सागर पहुंची। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के 2 टैंकरों में 21.77 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन भरी है। भारतीय रेल द्वारा प्रदेश को अब तक 44 टैंकरों में कुल लगभग 500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की पूर्ति की गई है। वहीं भारतीय रेलवे द्वारा 160 ऑक्सीजन एक्सप्रेस से अब तक 10,300 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन विभिन्न राज्यों को आपूर्ति की गई है। ग्रीन कॉरिडोर में चलने वाली इन माल गाड़ियों के परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से प्राप्त हुए 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को प्रदेश के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाएगा। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से 4,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अलग अलग राज्यों को प्राप्त हुए हैं। ये कॉन्सेंट्रेटर मरीजों के इलाज के लिए उपयोगी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, उसी का नतीजा है कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट में कमी और रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि म्यूकोर माइकोसिस ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 5 मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है। ब्लैक फंगस के उपचार के लिए टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। अगले 15 दिन म्यूकोर माइकोसिस की प्राथमिक लक्षणों पर पहचान कर उसके उपचार का अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि ब्लैक फंगस म्यूकोर माइकोसिस के उपचार संबंधी व्यवस्थाओं के लिए एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लैक फंगस के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में ब्लैक फंगस के 573 प्रकरण 5 मेडिकल कॉलेजों में उपचाररत है।
पंचायती राज मंत्रालय ने कोविड महामारी से निपटने के लिए पंचायतों को परामर्श जारी किया है। पंचायतों से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के उपाय के बारे में ग्रामीण समुदाय की जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने परामर्श दिया है कि लोगों को फिंगर ऑक्सीमीटर, N95 मास्क, थर्मल स्कैनिंग उपकरण और सैनिटाइजर जैसे आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुझाव दिया है कि देश में कोविड टीकों की बढ़ती मांग को देखते हुए अधिक कंपनियों को टीकों के उत्पादन का लाइसेंस दिया जाना चाहिए। एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 10 और कंपनियों को लाइसेंस दिए जा सकते हैं। वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति भी शामिल हुए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा है कि अप्रैल के मध्य में सैन्य अस्पतालों में लगभग 1,800 ऑक्सीजन बिस्तर थे, जिनकी संख्या बढ़ाकर लगभग 4,000 कर दी गई है। सेना प्रमुख ने कहा है कि सेना ने ऑक्सीजन संयंत्रों की संख्या को दोगुना करके 42 कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण चक्रवाती तूफान से गुजरात और दीव के प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड जांच बढ़ाकर रोजाना 25 लाख से अधिक की जाएगी। उन्होंने 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में कोविड महामारी की स्थिति और टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। देश में अब तक 18,58,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। और भारत की 28 खिलाड़ियों की फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप कतर 2022 और AFC एशियाई कप चीन 2023 क्वालिफायर्स में भाग लेने के लिए आज शाम दोहा के लिए रवाना होगी। ये मैच 3 जून से खेले जाएंगे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। खरीदी केंद्रों से उपार्जित फसल का उठाव समय सीमा में नहीं किया जाता है तो जिला प्रबंधक इसके लिए जिम्मेदार होंगे। 52 जिलों में होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को अभी तक 2,78,949 मेडिकल किट वितरित। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से प्राप्त हुए 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को प्रदेश के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।